नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुर, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स, मेनली जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर के टफ सब्जेक्ट्स को आसान तरीके से समझें। तो दैट्स वी स्टडी इन ईजी वे कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट्स। दोस्तों, आजकल जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो ट्यूरिंग मशीन को स्टडी कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्यूरिंग मशीन ट्रांसड्यूसर्स की तरह कैसे एक्ट करती है, ठीक है। नाउ द टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास है ट्यूरिंग मशीन एज ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन आपके पास लिखी है, हम डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने सबसे पहले आके ट्यूरिंग मशीन को स्टडी किया था, ठीक है। जब हमने ट्यूरिंग मशीन स्टडी करी थी तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो मल्टीपल वेज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला है ट्यूरिंग मशीन एज शॉर्ट में, इसको हम TM बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन को, ठीक है। पहला था आपके पास ट्यूरिंग मशीन एज एक्सेप्टर, दूसरा है ट्यूरिंग मशीन एज ट्रांसड्यूसर। दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम एक्सेप्टर की बात करते हैं तो हमें कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन किसी चीज को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। मतलब जो आपने उसको इनपुट दिया है, अगर वो उस इनपुट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो वो ट्यूरिंग मशीन एज अ एक्सेप्टर एक्ट करती है। ये मैं थोड़ा सा बता रह गया था, तो मैं इस चीज़ की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि जब ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो जब भी आप कोई जो इनपुट को एक्सेप्ट कर रही है तो दैट ट्यूरिंग मशीन इज नोन एज द एक्सेप्टर, उसको बेसिकली हम एक्सेप्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी जो हमने न्यूमेरिकल देखा था, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने शुरुआत में दो तीन न्यूमेरिकल स्टडी किए थे। पहले हमने कहा था, अगर आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है 0 0 क्लोजर, ठीक है, आपसे कहा था कि इसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करो। मतलब हम एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे थे जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही थी, मतलब इसकी एक्सेप्टेंस के लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने लिया था a टू द पावर n, b टू द पावर n, such that n is greater than 0, आपसे कहा था इसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करिए। मतलब जो लैंग्वेज थी वो आपके पास ये थी, आपसे कहते हैं इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करो। तो आपने क्या करा था कि जो इस फॉर्मेट की स्ट्रिंग आ रही है उनकी एक्सेप्टेंस के लिए आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी, उनकी एक्सेप्टेंस के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोई लैंग्वेज गिवन है और उस लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस के लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हो, देन ट्यूरिंग मशीन इज नोन एज द एक्सेप्टर। तब वो आपके पास ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करती है। मतलब जब भी आप कभी इन फॉर्मेट की स्ट्रिंग को आप देंगे, जैसे आप ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन इस फॉर्मेट की स्ट्रिंग देंगे, या 0 0 क्लोजर इस फॉर्मेट की स्ट्रिंग देंगे, या आपने फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज ले ली एल which is equal to a to the power n, b to the power n, c to the power n, such that n is greater than 0, इसको हम आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, या इसके आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। तो इस फॉर्मेट की कोई भी स्ट्रिंग अगर आपके पास आती है, जैसे a to the power n, b to the power n, c to the n, और n के फॉर्मेट की कोई भी स्ट्रिंग आती है, तो इसको एक्सेप्ट करके मशीन फाइनल स्टेट पे स्टॉप कर जाती है, ठीक है। तो ऐसी मशीन जो खाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, जो भी आपके पास लैंग्वेज गिवन है उसकी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हो, तो उस ट्यूरिंग मशीन को हम बोलते हैं एज एक्सेप्टर, ठीक है। लेकिन एक बात आती है, अगर हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो खाली एक्सेप्टर की तरह ही एक्ट नहीं करती। मतलब आप खाली उसमें यही काम नहीं कर सकते कि आपने स्ट्रिंग दी बस उसकी एक्सेप्टेंस की आपने ट्यूरिंग बना दी, आपने ये वाली लैंग्वेज दी इसकी एक्सेप्टेंस की ट्यूरिंग बना दी, आपने ये वाली ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन लैंग्वेज दी आपने उसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर दी, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर भी एक्ट कर सकती है। हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट करेंगे, टॉप पे ध्यान दीजिएगा, टॉप पे नोट कर रहे हैं। ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर से मतलब होता है कि अगर आप कोई इनपुट दे रहे हो तो उस इनपुट के अगेंस्ट में आउटपुट अगर जनरेट कर रहा है, कोई भी मशीन को अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हो तो उस इनपुट के अगेंस्ट में अगर वो कोई आउटपुट जनरेट कर रहा है, देन इट इज नोन एज ए ट्रांसड्यूसर। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टर और ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस है। एक्सेप्टर में क्या है कि हम ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करा रहे हैं, मतलब आप खाली इस फॉर्मेट की स्ट्रिंग को दे रहे हो, वो
उसकी ट्यूरिंग मशीन बना दी, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे अगर आप बात करें कि अगर आप देखोगे तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, जैसे अगर आप इस लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपको स्ट्रिंग दोगे ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो आप बस यही तो चेक कर रहे हो कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है नहीं बिलोंग करती है। अगर इसको बिलोंग करती है तो ट्यूरिंग मशीन बस इसको एक्सेप्ट करेगी। यहाँ कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई आउटपुट जनरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि आप अगर कुछ भी इनपुट दे रहे हो तो वो आपके पास कोई आउटपुट जनरेट करेगी। जैसे हम बात करें कि अगर आप कंप्यूटर की बात करो, जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं यहाँ पे मशीन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि आप उसको कुछ भी अगर आप इनपुट देते हो तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई वो आउटपुट जनरेट करता है। तो ट्यूरिंग मशीन की भी हम बात करें तो खाली एक्सेप्टर की तरह नहीं ऐड करती, वो एज ए ट्रांसड्यूसर भी आपके पास ऐड कर सकती है, मतलब आप उसको कुछ भी इनपुट देंगे तो वो आउटपुट जनरेट करेगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अर्ली एग्जांपल वन ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज एक्सेप्टर्स, वो एक्सेप्टर्स की तरह थे। दिस ट्यूरिंग मशीन ऑल्सो वर्क्स एज ट्रांसड्यूसर, वो ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करती है। एक्सेप्टर्स आर क्वाइट एडिक्यूटेड, एक्सेप्टर्स तो नॉर्मल केस की हम बात कर रहे हैं। ट्यूरिंग मशीन्स आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग एज लैंग्वेज एक्सेप्टर्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद अ सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स इन जनरल। मतलब कुछ कुछ वो डिजिटल, कुछ कुछ नहीं 100% आप कह सकते हो कि वो डिजिटल कंप्यूटर्स को भी वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर इज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट आउटपुट, जो कंप्यूटर का मेन पर्पज क्या है कि आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो तो उसको आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे आपने कोई इमेज दी, आपको उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा आप जो भी टास्क परफॉर्म करो, ठीक है। इसलिए वो आपका ट्रांसड्यूसर की तरह ऐड करता है। इफ वी वांट टू मॉडल कंप्यूटर्स यूजिंग ट्यूरिंग मशीन, अगर हमें कंप्यूटर को ट्यूरिंग मशीन से रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको और ज़्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा, क्या वो एज अ ट्रांसड्यूसर ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर जब ट्यूरिंग मशीन को एज अ ट्रांसड्यूसर की हम बात करते हैं, द इनपुट फॉर द कंप्यूटेशन विल बी ऑल द नॉन ब्लैंक सिंबल्स ऑन द टेप एट द इनिशियल टाइम। मतलब अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ी देर वाला क्वेश्चन रब कर देता हूँ, यहाँ पर हम बता चुके हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देगा, द इनपुट फॉर द कंप्यूटेशन विल बी ऑल द नॉन ब्लैंक सिंबल्स ऑन द टेप एट द इनिशियल टाइम, एट द कंक्लूजन ऑफ द कंप्यूटेशन द आउटपुट विल बी व्हाटएवर इज देन ऑन द टेप। मतलब वो बेसिकली के लिए कह रहे हैं, अगर हम बात करें तो वो सिंपल से पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क कराओगे, ट्यूरिंग मशीन को आप एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क कराओगे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ उसको इनपुट दे रहे हो और वो उस इनपुट के अगेंस्ट में आउटपुट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो जो आप इनपुट दे रहे हो वो सारे के सारे आपके पास नॉन ब्लैंक सिंबल्स हो गए, मतलब ब्लैंक सिंबल्स नहीं है, वो उस इनपुट पर आपकी ट्यूरिंग मशीन कुछ ऑपरेशन करेगी और ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट रिजल्ट इज द आउटपुट, वो रिजल्ट जो है वो आपका आउटपुट करेगा, ठीक है। जो रिजल्ट निकल के आएगा वो फाइनली टेप में रह जाएगा और वो आपका आउटपुट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे ये हम ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने यहाँ पे सिंपल सी बात करी कि फॉर एग्जांपल ट्यूरिंग मशीन ट्रांसड्यूसर एम एज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे आपने कहा कि हम ट्रांसड्यूसर की तरह ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल सी बात करें ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल, जैसे आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपको कहा, जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल नंबर वन ऐसे होता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स या एडिशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ऐसे क्या हो सकता है, अगर हम बात करें तो सब्सट्रैक्शन, आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। या और एग्जांपल की हम बात करें तो आप क्या हो सकते हैं, अरिथमेटिक कंपैरिजन, अरिथमेटिक कंपैरिजन। ये सब जो एग्जांपल हैं ये आपके ट्रांसड्यूसर के, जैसे एडिशन में क्या होगा, आप एडिशन देखो तो नॉर्मली एडिशन में क्या होता है, अगर आप सिंपल एडिशन की बात करें, अगर आप दो नंबर के एडिशन की बात करो, आप क्या कहोगे, एक नंबर दोगे लेट्स से फोर, दूसरा नंबर दिए फॉर एग्जांपल नाइन, दोनों का एडिशन किया तो आउटपुट 13 आएगा। मतलब आप ये एज अ इनपुट देते हो, किसी भी मशीन की हम बात करेंगे तो ये आप एज अ इनपुट दे रहे हो और फाइनली ये एज अ 13 एज अ आउटपुट निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन ट्रांसड्यूसर की तरह भी ऐड कर सकती है, मतलब
आप उसको कुछ इनपुट दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट में वो आउटपुट जनरेट करेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनपुट आप दोगे वो आप टेप पे दोगे, जो इनपुट है वो आप टेप पे दोगे, उस पर आप वर्किंग करोगे, और वर्किंग करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वही टेप पे बचेगा, वही आपका आउटपुट होगा, जो रिजल्ट बचेगा वो आउट, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, जैसे सब्ट्रैक्शन में कहा दो नंबर दिए 4-2, तो ट्यूरिंग मशीन आउटपुट 2 प्रोड्यूस करेगी। अरिथमेटिक कंपैरिजन, जैसे आप लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजंस भी आप ट्यूरिंग मशीन के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ट्यूरिंग मशीन आपका ट्रांसड्यूसर की तरह ऐड करती है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जो आप इनपुट दोगे, तो ये जो W है वो आपका इनपुट है, जैसे आपने कहा अगर दो नंबर का एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पे ये एडिशन का इनपुट हो जाएगा, और ये जो W कैप है दिस इज द आउटपुट, ये आपके पास आउटपुट है। प्रोवाइडेड डेट, वो ये कह रहा है कि जब आप क्यू नॉट स्टेट पर आप W स्ट्रिंग पास करोगे तो आफ्टर n नंबर ऑफ मूव्स, ये मूव्स के सिंबल यूज करते हैं, n नंबर ऑफ मूव्स जो ट्यूरिंग मशीन है वो फाइनल स्टेट पर पहुंचेगी, और जो आउटपुट निकल के आएगा वो W निकल के आ जाएगा। मतलब वो ये कह रहे हैं जैसे आपने दो नंबर का एडिशन करना है तो W जो होगा वो दो नंबर का एडिशन होगा, ठीक है। और मान लीजिए आपने एडिशन करके इसका आउटपुट लेट से K निकल के आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि Q नॉट पर आप W पास करोगे, W एस, ठीक है, तो आउटपुट जो निकल के आएगा आफ्टर एन मूव्स वो होगा फाइनल स्टेट K, ठीक है। तो जहाँ पे क्यू एफ जो है वो आपके पास क्या है, फाइनल स्टेट होगी, देखिए मेरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वही चीज़ उन्होंने आगे प्रॉपरली डिफाइन किया है कि अभी जो हमने डिस्कस किया, हमने सिंपल सी बात करी, ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टर की तरह भी ऐड करते हैं, जिसके हमने प्रीवियस एग्जांपल देखे थे ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, 0-0 क्लोजर, ठीक है। और ट्यूरिंग मशीन जैसे कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, अगर हम कंप्यूटर से कंपेयर करें तो हम कहते हैं कंप्यूटर जो है आज का, वो आप उसको जनरल डेफिनेशन से ये है कि आप कुछ भी इनपुट देते हो तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन ऐसे काम कर सकती है, इनपुट देने पर आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला जो वर्क होता है वो ट्रांसड्यूसर कहलाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ट्यूरिंग मशीन में आप ऐसे वर्क कर सकती है, आप उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक कंपैरिजंस, ये सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्यूरिंग कंप्यूटेबल, ट्यूरिंग कंप्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप कभी ट्रांसड्यूसर के थ्रू वर्क कर रहे हो, मतलब आप कुछ इनपुट दे रहे हो और वो आउटपुट प्रॉपरली जनरेट कर रही है, तो हमें कहेंगे इट इज अ ट्यूरिंग कंप्यूटेबल, मतलब ट्यूरिंग के द्वारा या ट्यूरिंग मशीन के द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वो ये कह रहे हैं अ फंक्शन एफ विद डोमेन डी, डी जो है डोमेन मतलब जो उसका इनपुट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज सेट टू बी ट्यूरिंग कंप्यूटेबल और जस्ट कंप्यूटेबल, वो ट्यूरिंग कंप्यूटेबल कंप्यूटेबल कराएगा इफ देयर एग्जिस्ट सम ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है विद 7 टपल्स, सो दैट कि अगर आप उस इनपुट को दोगे तो फाइनली मशीन फाइनल स्टेट पर आउटपुट फाइनल स्टेट पर स्टॉप करेगी, और उस फंक्शन पे जो भी रिजल्ट होगा रिजल्ट वो निकल के आ जाएगा। जैसे मैं मान लो कि बात चलूँ कि हम ये कह रहे हैं कि आके, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा अगर हमें एडिशन की ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको दो नंबर का एडिशन करना है और आपने एडिशन का कोई एक फंक्शन बनाया, एडिशन के लिए कोई फंक्शन बनाया f, ठीक है, और एडिशन के लिए मान लीजिए आपके पास दो नंबर थे x और y, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एडिशन के लिए आपने फंक्शन बनाया, एडिशन के लिए लेट्स से एड ऑफ, ठीक है, फंक्शन बनाया एफ नाम से, ठीक है। तो एफ फंक्शन में अगर आप एक्स और वाई पास करोगे तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे फंक्शन में आपने एक्स और वाई पास किया, जिन दो नंबर का एडिशन करना है, तो वो पास करने पे जो इनका डिजायर्ड सम है इट इज एक्स प्लस वाई, वो एज अ आउटपुट आपके पास प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने यहाँ डिफाइन किया है कि तो अगर किसी ट्यूरिंग मशीन को आप कोई फंक्शन दे रहे हो एडिशन क्या या सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का जिसको हमें सॉल्व करना है, और वो उसके अकॉर्डिंगली अगर डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर देती है तो उसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग कंप्यूटेबल, दैट इट इज ट्यूरिंग कंप्यूटेबल, दैट दिस प्रॉब्लम इज ट्यूरिंग कंप्यूटेबल और सिंपली कंप्यूटेबल। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं टर्मिनोलॉजी को लेकर। आप सिंपल से मान के चलिए कि जब हम कोई ट्यूरिंग मशीन जब एज ए ट्रांसड्यूसर एड कर रही है, तो हम जिस प्रॉब्लम के लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका कोई भी इनपुट देने पर अगर ट्यूरिंग मशीन आपका डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो वो आपकी ट्यूरिंग कंप्यूटेबल या जस्ट कंप्यूटेबल कराती है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे ऑल द कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस
नो मैटर हाउ कॉम्प्लीमेंटेड आर ट्यूरिंग कंप्यूटर, मतलब वो ये कह रहे हैं जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जो आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, ठीक है, इनफैक्ट आप अगर आप किसी नंबर का बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हो या बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हो, या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, या आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन इवन, ठीक है, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लीमेंटेड क्या होना हो, वो सब ट्यूरिंग कंप्यूटेबल है, मतलब ट्यूरिंग मशीन आप उसके लिए डिजाइन कर सकते हो और वो उसके लिए डिजाइन आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। कुछ सिंपल एग्जांपल्स की जैसे हम बात करते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या दो नंबर का कंपैरिजन आप कर रहे हो, अरिथमेटिक कंपैरिजन, वो सब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ट्यूरिंग मशीन है ट्रांसड्यूसर्स की, जब हम बात करेंगे तो दो नंबर के एडिशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल में आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद दोस्तों।